ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते सच्चिदानंद रूपाय विष्णु उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का ग्रहों का योगा योग क्या बता रहा है उसका आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि ग्रहों का योगा योग कैसा रहेगा मार्च के अंतिम भाग में आपके लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए समझ लेना चाहिए कि आपकी राशि के स्वामी जो हैं इस वक्त बुध महाराज आपकी राशि के स्वामी हैं और इन दिनों बुध जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण भाव में हैं और वो कमज़ोर अवस्था में हैं, लेकिन मार्च के अंतिम भाग में वो परिवर्तन की तरफ जाएंगे और मेष राशि में प्रवेश करेंगे और ये मेष राशि में प्रवेश करना आपकी राशि के अनुसार से बड़ी अच्छी स्थिति उत्पन्न करेगा बुध के लिए, चाहे वो कुछ दिन के लिए है क्योंकि फिर वापस वो आने वाले हैं मीन राशि में, फिर कमज़ोर होने वाले हैं, लेकिन जब तक रहेंगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन की स्थिति अवश्य लाते दिखाई दे रहे हैं। तो उसके साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपके दशम भाव में सूर्य और राहु की युति विराजमान है जो थोड़ी अस्थिरता देती है। वहीं भाग्य में शनि महाराज हैं वो आपके लिए शुभ हैं, लेकिन मंगल ने आकर वहाँ पर शुक्र के साथ बैठकर वो स्थिति को थोड़ा सा डगमगा दिया है। तो ऐसे में मंगल एग्रीवेट कर रहे हैं तो ऐसे में विश्व के लिए ये योग जो है पूरे सर्वव्यापक तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कष्टकारी योग बनता है, प्रलंबकारी योग बनता है, टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है। और ऐसे में यदि आप एक बात और समझें तो कन्या राशि में यदि हम बात करें मिथुन की एक राशि है आपकी जो राशि है, लेकिन उसकी दूसरी राशि में कन्या में ग्रहण भी लगने वाला है, तो ऐसे में इसका प्रभाव बड़ा विचित्र रहेगा और ग्रहण का प्रभाव इन योगों के साथ जो पड़े तो ये प्रलंबकारी हो सकता है, बहुत भयावह स्थिति, प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप की कई प्रकार की घटनाओं का योग बना सकता है, आतंकवादी घटनाओं का योग बना सकता है, टकराव की स्थिति दे सकता है। अच्छी बात यह है इन सब चीज़ों के अंदर कि भारत में नहीं है ग्रहण बाहर पड़ रहा है, यूरोप इत्यादि क्षेत्रों में, अफ्रीका में, अमेरिका में, कनाडा में ये ग्रहण का प्रभाव रहेगा। यदि आपके कोई व्यक्ति वहाँ रहते हैं तो ऐसे में उनका उपचार अवश्य करना चाहिए, ग्रहण के में कुछ दान पुण्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं विशेष तौर पर कि सिलसिलेवार तरीके से ग्रहों का योग क्या बन रहा है आपकी राशि के अनुसार से। 21 मार्च की सबसे पहले बात करें तो 21 मार्च को द्वादशी तिथि है और साथ साथ बृहस्पतिवार का अवसर है। कर्क में चंद्रमा का योग बनेगा और इस दिन कर्क में चंद्रमा का योग आपकी राशि के अनुसार से सुंदर है, धन लाभ की स्थिति बनाता दिखाई दे। द्वितीय भाव में चंद्रमा का योग आपके लिए अच्छा प्रलिंग लाभकारी योग बनता दिखाई दे रहा है, आपके कार्यों में सफलता देता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ी सामने वालों पर चाल पर नज़र रखते हुए ध्यान रखिएगा। भाग्य थोड़ा स्लो रहेगा लेकिन यदि आप सही रूप से सोच विचार के कार्य कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए अच्छे मार्ग प्रशस्त कर सकता है, तो उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। 22 मार्च की बात करें तो उस दिन त्रयोदशी का अवसर, शुक्रवार का योग, साथ साथ सिंह राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो गया है रात्रि में ही, तो ऐसे में ये योग आपके लिए बहुत लाभकारी है। भाग्य में बैठ के बृहस्पति जो है, जो विशेष तौर पर दशम 11वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं और तृतीय भाव में चंद्रमा का योग, ये गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है यदि गोचर में देखा जाए तो। यह आपके प्रलंग आपके लिए लाभ की स्थिति करेगा, आपके कार्यों की सराहना होगी, लेकिन बस थोड़ा ध्यान ये रखना है कि अपने कार्यों को टाइम का आप सदुपयोग कर सकें तो बहुत सुंदर तरीके से आप उसका लाभ लेते दिखाई देंगे, आगे बढ़ने के योग प्राप्त होंगे। प्रदोष का योग है शुक्रवार का दिन, प्रदोष का योग, महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति का योग, भगवान शंकर पर बिलपत्र अर्पित करें, शाम को अवश्य उनका रुद्राभिषेक करें, आशीर्वाद मिलेगा और कल्याणकारी योग बनेंगे। 23 मार्च को त्रयोदशी का अवसर है, शनिवार का योग पड़ रहा है और ये आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति उत्पन्न कर रहा है, ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल दिखाई देती है, मार्ग आपके लिए अच्छे हैं, बस यदि समय का सदुपयोग करके कार्य करेंगे, सही समय पर सही विचार करके काम करेंगे तो आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शनि महाराज भाग्य में बैठे हैं इस वक्त, थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं शनि मंगल के साथ बैठकर, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य कर लें तो अच्छा रहेगा। थोड़ा उपाय कर लें, हनुमान जी का स्तवन कर लें, शनि के मंत्र का जप कर लीजिए, शनिवार का अवसर है, सब कल्याणकारी योग बना देंगे। 24 मार्च की यदि हम बात करें तो उस दिन होलिका दहन है और रविवार के अवसर चतुर्दशी तिथि और शाम को पूर्णिमा की तिथि है, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे दोपहर को मध्यान्ह में और ये आपके लिए केतु के साथ योग बनाकर आपके लिए अच्छा योग बना रहे हैं, सुख का पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने के योग दिखाई देते हैं। सत्यनारायण व्रत करें समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए, किस कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ व्रत है, उस दिन पूर्णिमा शाम को आने की वजह से सत्यनारायण व्रत करने का शास्त्र में विधान सुंदर तरीके से दिया गया है। होलिका का दहन होगा इस दिन और आपकी राशि के अनुसार से समझ लीजिए कि विशेष तौर पर ये योग बड़ा सुंदर मानते हैं और ऐसे में यदि अपने कष्टों को दूर करना चाहते हैं, हम वर्ष में बहुत सारे कार्य करते हैं, समाज में कार्य करते हैं, कहीं अच्छे लोगों से मिलते हैं, कहीं खराब लोगों से मिलते हैं, किसी की पॉजिटिव एनर्जी होती है, किसी की नेगेटिव एनर्जी होती है, लेकिन कई नेगेटिव एनर्जी ऐसी होती हैं जो नज़र के रूप में आपको परेशान कर देती हैं,
होलिका का दहन का समय जो होता है, ऐसी नजरों को अलाए बलाए डुंडा नाम की राक्षसी का संहार करने का माना जाता है। तो ऐसे में सुंदर तरीके से इन समस्त संकष्टों को दूर करने के लिए होलिका की अग्नि में अपनी समस्त नज़रों को उतार देना चाहिए। कहा जाता है कि आपकी राशि के अनुसार से जो मिथुन राशि है, कुछ नमक थोड़ा सा ले जाइए, नमक सेंधा नमक जो मतलब डली वाला, उसको अपने सिर पे से वार कर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उस अग्नि में डाल दीजिए। कहा जाता है कि पूरा कष्ट, साल भर की कष्ट, अलाए बलाए सब दूर होने के योग बन जाते हैं, और फिर अगले दिन से कुछ उन्नति के योग, बहुत सुंदर तरीके से प्रशस्त होने के योग बन जाते हैं। ये चीज़ें बहुत कार्य करती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस बार भद्रा का योग पड़ रहा है, जो होलिका दहन के समय थोड़ा सा विघ्न उपस्थित करता दिखाई देगा, और होलिका का दहन भद्रा के अंत में ही होना चाहिए, भद्रा की समाप्ति के बाद ही। तो भद्रा का समय रहेगा 9:55 से लेकर रात्रि में 11:17 तक, दिल्ली के लिए बात कर रहे हैं। तो ऐसे में भद्रा जब शांत हो जाए उसके बाद आपको ये होलिका दहन करना चाहिए और ये उपाय कर लेना चाहिए। पूरे वर्ष में एक ही दिन ये उपाय करने का नियम होता है, अवश्य करें, देखिए कल्याण के योग बनेंगे। 25 मार्च की यदि हम बात करें तो उस दिन पूर्णिमा का अवसर है, सोमवार का अवसर साथ साथ पड़ रहा है, और ऐसे में खग्रास चंद्रग्रहण भी पड़ेगा, होली खेली भी जाएगी, और एक और विशेष योग बन रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खग्रास चंद्रग्रहण की। आपकी राशि के अनुसार से खग्रास जो ग्रहण पड़ रहा है चतुर्थ भाव में पड़ रहा है, और ऐसे में ये सुखों में ग्रहण लगाने के योग दे सकता है। कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है, लेकिन ग्रहण का प्रभाव वहीं होता है जहाँ ग्रहण दिखाई दे। इस बार अच्छी बात यह है कि भारत में ग्रहण नहीं पड़ रहा है, ये ग्रहण पड़ रहा है यूरोप में और अफ्रीका में, अमेरिका में, कनाडा क्षेत्रों में। तो वहाँ पर लोग, वहाँ वाले लोगों को जो वहाँ रहते हैं, ग्रहण की छाया जिन पर पड़ती है उन पर ही इसका प्रभाव होगा। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको सुंदर तरीके से आप समझते हुए उपाय कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो धन भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा का इस विशेष तौर पर पूर्णिमा के दिन जन्मदिवस माना जाता है, यानी फागुन की पूर्णिमा में चंद्रमा का उदय होना। सबसे पहले प्रकाशित हुए थे अनसुईया के गर्भ से, चंद्रमा उत्पन्न हुए थे। तो इस दिन यदि चंद्रमा के कुछ उपाय कर लिए जाए तो आपकी राशि के अनुसार से धन, कुटुंब, परिवार संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए, आपके चंद्रमा मार्गशीर्ष भी हैं तो आपको तो चंद्रमा का विशेष उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस दिन चंद्रमा को विशेष तौर पर अर्घ दीजिए, चंद्रमा को कष्ट दूर करने के लिए चंद्रमा के को दूध का दूध से अर्घ दीजिए शाम को जब चंद्र उदय हो। तो ऐसे में विशेष तौर पर चंद्रमा के मंत्र का जप करें, शंकर भगवान का पूजन करने का प्रयास कीजिए, और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। देखिए धुलैंडी है इस दिन, और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो अबीर गुलाल इत्यादि से भगवान को अर्पित करके आनंद भाव से होलिका का आनंद मनाएं, बहुत सुंदर तरीके से योग हैं, कल्याणकारी योग आपकी राशि के अनुसार से बने हुए हैं। 26 मार्च की यदि हम बात करें तो चैत्र कृष्णा का योग, उस दिन विशेष तौर पर कृष्णा प्रतिपदा का योग है, मंगलवार का अवसर है, और गौरी व्रत करने का शास्त्र में नियम बताया गया, और साथ साथ बुध भी आपकी राशि के स्वामी जो है वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध मार्च के अंतिम भाग में ये परिवर्तन का योग बना रहे हैं, ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा, लाभ का योग बनाता दिखाई देगा। ऐसे में आप खास उपाय करते हुए कार्य करें, बुध का ये परिवर्तन आपके लिए कई मामलों में बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। बुध का 12वें भाव 11वें भाव में जाना बुध बृहस्पति के साथ, ये आपके लिए लाभ की स्थिति बनाता दिखाई देगा, अच्छा रहेगा योग आपके लिए। यदि हम बात करें 27 तारीख की ग्रह गणना के अनुसार से तो उस दिन द्वितीया तिथि, बुधवार का अवसर, और तुला में चंद्रमा का ये पदार्पण होने जा रहा है, आपके लिए शत्रुओं पर क्षय करने वाला रहेगा, आपके कार्यों में विजय दिलवाने वाला रहेगा, आपके लाभ के मार्ग को प्रशस्त करने वाली स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं बुध महाराज। ऐसे में कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करें, गणेश जी का ध्यान करें, गणेश जी का पूजन करें, भगवान कृष्ण का पूजन करें, उनको माखन मिश्री का भोग लगाएं, सुंदर तरीके से आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई दें। 28 मार्च को तृतीया का अवसर, बृहस्पतिवार का योग, भद्रा साथ में विद्यमान है, और गणेश चतुर्थी का योग है। ग्रह गणना चंद्रमा आपके लिए पंचम भाव में बैठकर बृहस्पति के साथ लाभ की स्थिति प्रशस्त करते दिखाई दें। चंद्रमा और बृहस्पति बुध का जो योग जो बन रहा है ये आपके लिए लाभ की स्थिति प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है, आपके विरोधियों को दबाता दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में केवल आपकी राशि के अनुसार समझ लें, शनि मंगल जो खराब कर रहे हैं उसको ठीक करने की ज़रूरत है तो आपको लाभ मिलेगा। भगवान गणेश जी का ध्यान करना बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि चतुर्थी का योग है, ऐसे में गणेश चतुर्थी का व्रत भी रहेगा, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें, ये समस्त श्रेष्ठ रहेंगे उपाय। एक बात का और ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसा हमने कहा भद्रा है इस दिन, सूर्योदय से लेकर करीब शाम को करीब 7 बजे तक भद्रा रहेगी, तो नए बड़े प्रोजेक्ट्स को उस दिन आरंभ नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। भद्रा समाप्त हो उसके बाद कार्य को आरंभ करें तो अच्छा रहता है, अन्यथा भद्रा विघ्न के अनुसार से हमने बहुत बार देखा है कि ऐसे दोष लगते हैं कि जो फिर जीवन पर्यंत उस कार्य को पूर्ण करने में कभी योग बनता ही नहीं है।
इंद्र ने गलती करी थी युद्ध को आरंभ करने के वक्त, भद्रा का दोष लगा था, फिर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, फिर गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र ने आकर विशेष तौर पर उनको खास तौर पर रास्ता बताया, और गुरुदेव ने विशेषतः बृहस्पति महाराज ने आकर जो उपाय बताया वो एक वर्ष लगा उनको भद्रा को शांत करने के लिए, तब जाकर उनको विजय प्राप्त होने के योग बने। तो आप भी ध्यान रखते हुए, भद्रा के बहुत सारे दोष होते हैं, यदि आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और लगातार उसमें हार मिल रही है तो हो सकता है भद्रा का दोष हो, तो उसके लिए शास्त्र में जो वर्णित उपाय हैं उनको करने का प्रयास कीजिए, उससे परिवर्तन के योग बनेंगे। 29 मार्च के लिए हम बात करें, चतुर्थी का अवसर है, शुक्रवार का तिथि है, चंद्रमा थोड़े क्षीण होने जा रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, ये मनोमस्तिष्क में थोड़ी सी नेगेटिविटी एंजाइटी स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देने के योग दे सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों को खासतौर पर महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, चंद्रमा का उपाय करना चाहिए, दूध का दान करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए। ये दो तीन दिन थोड़े हल्के दिखाई देते हैं, ऐसे में विशेष तौर पर चंद्रमा का दान को जो उपाय बताया उसको अवश्य कीजिएगा, थोड़ा सा परिवर्तन होने के योग बनेंगे। 30 मार्च पंचमी तिथि, शनिवार का अवसर, और ऐसे में ग्रह गणना के अनुसार से यदि हम बात करें तो थोड़े से ग्रह हल्के हैं, शत्रु पक्ष भारी रहेगा, सामने वाले लोग आपकी एंजाइटी को बढ़ाने का कार्य करते दिखाई देंगे, मनोमस्तिष्क को शांत रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, शनि को अनुकूल करने की ज़रूरत है। शनि महाराज मंगल के साथ थोड़े से एग्रेसिव हैं, तो ऐसे में शनि का उपाय करें, हनुमान जी का पाठ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 31 मार्च की यदि हम बात करें तो सप्तमी का अवसर है, रविवार का अवसर है, और एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र महाराज जो है परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, उच्च के होने जा रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत सुंदर मार्ग प्रशस्त करेंगे। ऐसे में विशेष तौर पर आपको कुछ खास उपाय करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी ग्रह गणना विशेष तौर पर हम समझें तो चंद्रमा रात को परिवर्तन की तरफ जाएंगे, अगले दिन से परिवर्तन का योग बनाएंगे, बड़ा महत्वपूर्ण इस दिन। विशेष तौर पर एक बात और ध्यान है, अनुराधा और ज्येष्ठा नाम के नक्षत्रों का उदय हो रहा है, 31 तारीख को अनुराधा और 1 अप्रैल को ज्येष्ठा नक्षत्र का योग है, तो ऐसे में मूल शांति जिन जातकों को जन्म हो वो अवश्य करा लेनी चाहिए। हम सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ जुड़े रहते हैं, बहुत सारे चीज़ें आपको लगातार बताने का प्रयास करते हैं। हमारा संस्थान विवेकानंद योग आश्रम इस क्षेत्र में करीब करीब पिछले 50-60 सालों से काम कर रहा है, और हमारी परंपरा से, अब जिस परंपरा से हम आते हैं, आचार्य केशव देव जी के ने इस परंपरा को आरंभ किया आज से करीब करीब 60-70 साल पहले, और तब से ये आश्रम यहाँ विवेकानंद योग आश्रम दिल्ली में जमुनापार क्षेत्र में कार्य कर रहा है। बहुत सारे शोध चलते हैं यहाँ पर, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और बहुत सारी चिकित्सा पद्धति पर भी कार्य किया जाता है, यज्ञ विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, मंत्र विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, भारतीय वेद संहिता के ऊपर बहुत सारे कार्य करके हमने निकाले हैं। करीब करीब 50-60 पुस्तकें भी हमारे आश्रम के द्वारा हमारे द्वारा प्रकाशित की गई हैं, विभिन्न पराविद्याओं पर, मृत्यु के बाद जीवन कैसे, प्रेतात्माएं यदि परेशान कर रही हैं तो उनको कैसे ठीक करें, मंत्र विज्ञान कैसे कार्य करेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसे मंत्र अनुष्ठान के द्वारा आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ये सारे बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं और इनके ऊपर हमारा संस्थान पिछले लंबे समय से कार्य कर रहा है। तो आप सब हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं, यहाँ नित्य प्रति आज भी 8 घंटे यज्ञ किया जाता है, हर रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो सकते हैं, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। और इस वक्त तो विशेष तौर पर होलाष्टक चल रहे थे, होलाष्टक चल रहे हैं, होलाष्टक के दिन दौरान हमने होलाष्टक के समय ग्रह शांति के लिए विशेष तौर पर अनुशुभ की शांति के लिए भगवान बटुक भैरव जी का एक विशेष यज्ञ रखा हुआ है। आप सब भी अपने निमित्त उस होलाष्टक के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, लोगों की नज़र इत्यादि को दूर करने के लिए उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं, उसके लिए भी सुंदर व्यवस्थाएँ हैं, फ़ोन नंबर्स पर आप संपर्क साध सकते हैं। और हर रविवार को तो विशेष कार्यक्रम यज्ञ आश्रम पर होता ही है, उसमें आप अवश्य पधारें। अभी नवरात्र आने वाले हैं, बहुत बड़े विशेष तौर पर माँ दुर्गा के विभिन्न यज्ञ किए जाएंगे, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण नव दिवस सहस्त्र चंडी के विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे, आप सब उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती की चमत्कारिक शिव विग्रह आश्रम पर विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से यहाँ पर हमारे आश्रम पर पधारा, 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है, जिनके दर्शन कर लेने मात्र से आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। आप इस यज्ञ में भी सम्मिलित हो सकते हैं, उसके लिए समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साधेंगे तो आपके लिए मनोकामना सिद्धि के, माँ भगवती के दर्शन करके योग बनेंगे। आइए विवेकानंद योग आश्रम में यज्ञ में भाग लें, माँ भगवती दुर्गा का दर्शन करें और अपने कष्टों को दूर करें।